हाँ बीबी। हाँ जी। सारे फसाद की जड़ तू है। हाँ जी। तुम्हारी वजह से तीन लोग कातिल बन गए। तुमने अपने बच्चों के बाप को बेदर्दी से कुचल दिया। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। हाँ जी। क्यों किया ये सब? 3 साल हो चले ने, अजय दे नाल प्यार भी कर नहीं हां। तुम्हारी शादी को कितनी देर हो गई है? 10-12 साल। 12 साल में तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं हुई ना। नहीं। कितने बच्चे पैदा किए हैं? 5। पांच बच्चे? हाँ जी। पांच बच्चों के बाद तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई, जिसके साथ तुम्हारा एक जायज रिश्ता है, और तुम्हारे अपने काले करतूतों की वजह से तुम्हें तुम्हें खानदान ने छोड़ दिया, तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ दिया। तुम्हें एक ऐसे शख्स से मोहब्बत होगी जिसने 2 बीवियां छोड़ी हैं और तुमसे उम्र में कहीं छोटा है। पहले से उनके फोन तो मिले सा, उनके फोन का अच्छा तुम्हारा रिश्तेदार है? हाँ जी। पनेवा है? भांजा है? पनेवा है जी। सगा भांजा है यानी? हाँ जी। यानी तुम रिश्ते में खाला लगती हो? हाँ जी। कहाँ मिले थे? साढ़े पिंड आया आंदे होंदे से अम्मी और आपको। हाँ जी उत्थे मिले, फोन ते गल बात होंदी होंदी से। इतना अच्छा तुम लोग फोन पे चौंच लड़ाते रहे? 1 साल। 1 साल? हाँ जी। 1 साल के बाद फिर मोहब्बत कैसे हुई? बस पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगा क्या मतलब है? किस बात पे मोहब्बत हुई, किस बात पे दिल ज्यादा आया उस पे, क्यों अच्छा लगा वो? मेरे ना तो मेरे बच्चा ना प्यार करता है बहुत, मेरे घर वाले। अच्छा। हाँ। किस तरह का प्यार करता था? कैसे भेजता था तुम्हें? हाँ जी। कितने? 2-3। क्या 2-3 लाख? नहीं 2-3 हजार। 2-3। कब भेजता था? हर महीने? हफ्ते बाद। हफ्ते बाद? हाँ जी। यानी के तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना घर, अपना सुख, अपना खामद, अपनी औलाद का सुकून 2-3 हजार हफ्ते पे लुटा दिया? हाँ जी लुटा दिया। हाँ जी। शाबाश। फिर चोरी में बुलाया, फिर चोरी आया। क्या करने आया था? मिलने आया से। तुम्हें मिलने आया था? हाँ जी। तुम्हारे घर में? हाँ जी। तो ही नहीं मां गया, तो फिर इन्हें हाथ चला की करन डाया पिया, अपने भतीजे ने बुलाया। कहिंदा तू हुण फिर की लैन आया साडे घर, ते मैं मना कीता है। फिर इन्हू मारिया, फिर मैनू भी मारिया। फिर तो फिर अम्मी होरां नू बुलाया, कहिंदा हुण मैं नहीं रखना है, हुण मैं रखना, इन्हू लैजो, इन्हू लैजो। फिर अम्मी माफी मूफी मांग के फिर छड़ गए। शर्म तो नहीं आई तुम्हें कि तुम्हारे माँ बाप को माफी मांगने की नौबत आनी पड़ी? हैं, ये नौबत आ गई कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से माफी मांगे? और ऐसी औलाद होती क्यों है? फिर उसी फिर मिलना गिलना शुरू किया। फिर मेरे बंदे ने मोबाइल फाड़ लिया से, जड़ा दोबारा दे के गया से, ते जड़ा मेरे पेक्या दिता है वो तो उन्हें ले लिया से ना। तो फिर चोरी मोबाइल रखा हुआ था? हाँ जी। तो फिर ये मोबाइल लिया से मैं, फिर नहीं पता लगन दिता मोबाइल वालों। फिर मिलना गिलना, फिर कितना अरसा ये मिलना गिलना चलता रहा तुम्हारा? हाँ जी। कितना अरसा चलता रहा ये मिलना गिलना? साल हो चला है। साल और गुजर गया? हाँ। यानी 2 साल हो गए? नहीं 1.5 साल, 3 साल हो गए। टोटल 3 साल अफेयर को हो गए? हाँ जी। तुम भागी भी थी इस दौरान इसके साथ? हाँ जी। 3 दिन वो बाहर रहे हैं। चोरी मिलना जुलना भी चल रहा था, तुम एक दफा उसके साथ भाग भी चुकी, टूर भी कर आई 3 दिन का, फिर मारने का प्लान क्यों किया? प्लान कैसे किया था उस दिन? कितने दिनों से प्लान कर रहे थे? हफ्ता को हो गया है मारन का प्लान किया से। अच्छा। ते पहलो हुण जी वो दवाई दी पहलो हांडे च पा के, ते ओ कौन सी दवाई? ओ चूहिया वाली। अच्छा। पता लग गया है। पता कैसे चला उसे? कहिंदा हांडी क्यों काली है? ते फिर उन्हें सालन रोड़ दिता है, नहीं सी खादा है। ते फिर असी क्या है कि इहदा गला दबा के मार दिंदे। हाँ जी। फिर इन्हां नूं फोन कीता, फिर आए, ते फिर अहे मैं छत बैठे से, ते ओह आ के लेट गया, फिर मैनूं लै ये पहले आ गए थे? हाँ जी। ओह 11 बजे आया है, 10-9 बजे आ गए। अच्छा। फिर ते फिर मैं उन्हें लै के आई, ते ओह लेटिया सी, ते फिर एक जाने ने फाड़ लिया, सारे ने चोच लिया बस। फिर ते फिर मैं कोल इंज खलोती ही सा, ते फिर मैं कुड़ी उठ पे, तो मैं इंज उड़ के ना मैं इंज हला थापड़न लै पी, तो उन्हें मेरे वाल फाड़ ले, ते फिर थले हिट पई, तो फिर मैं दबा दो उहदे सिर मार दे। फिर कुछ फिर क्या किया? फिर असी ओनू
बन के ना चादर विच तो फिर नाल गले पा आए हाँ तो फिर मैं खून ये चले गए मोटरसाइकिल लैके ओ तो फिर मैं खून साफ करके फिर किस चीज से साफ किया ओ एक खेत का टोटा है छोटा जिहा पिया ते एक मुंडे की शर्ट है तो छोटी जी रंबाल ली सी फिर बच्ची की तो फिर नाल घर सुट आए हाँ फिर उसके बाद फिर मैं इन्होंने फोन तो लगी रही सा लाश को जूते क्यों पहनाए जाते हैं तुम लोगों ने क्या सोच के पहनाए थे पता लगे बाहर गया है अच्छा इतना दिमाग काम कर गया उस पर पास तुम्हारे तीन बच्चे मासूम सोए हुए थे हाँ जी तुम्हें उनकी शक्ल देख के तरस नहीं आया कि ये इनका बाप है हाँ जी आया है क्या तरस आया तुम्हें तुमने अपने हाथों से अपने बच्चों को यतीम किया तुम जैसी औरतों को तो सरेआम लटका देना चाहिए चौक में माफी दे दो मैंने माफी देनी है हाँ भाई कितनी उम्र है तुम्हारी 25 साल 25 साल शादीशुदा जी दो शादी थोड़ा ऊंचा बोलो मुझे समझ नहीं आ रही शादी हुई थी तलाक हो गई दो शादियां हुई तलाक हो गई मरियम बीबी के साथ कब से ताल्लुक में थे हम रिश्तेदार हैं आपस में रिश्तेदार तो और भी बहुत सारे होंगे ना और भी ज्यादा रिश्तेदारों में तो बहुत सारी माएं बहनें होंगी होंगी बकाया हमारा 2-3 साल से तल्लुक है हमारा तुम जानते हो कि वो 5 बच्चों की माँ है जी तुम ये भी जानते हो कि उसकी शादी को 12 साल हो गए हैं जी मैं जानता तुम्हारे से उम्र में कितनी बड़ी है वो जी कितनी काफी ज्यादा फिर तो 1.5 साल में हमारी क्लोज हो गए हम तो ये किस तरह का तुम्हारा ताल्लुक था जो क्लोज हो गया क्लोज इस तरीके से हो गया था हम एक दूसरे से बातें करते थे एक दफ़ा हम चोरी मिले भी थे पकड़े भी गए थे इस घर में तो नईम ने पकड़ा तो इनके जो आदमी थे उन्होंने पकड़ा हमें ऊंचा बोलो मारा भी गालियां भी निकाली हमने क्योंकि हमने गलती की थी चोरी मिले थे हम तुम लोगों की अपने मजहब में एक शादीशुदा औरत तलाक नहीं ले सकती नहीं ले सकती तुम लोगों के मजहब में कजन्स बहनें होती हैं जी होती हैं तो फिर कैसे ताल्लुक डेवलप हो गया जिसकी इजाज़त मजहब नहीं देता हमें पता ही नहीं चला हमारे दोनों का दिन इस तरीके से हो गया था उसका मरियम का भी हो गया था मेरा भी हो गया था और इन बिटवीन उसके बच्चे भी होते गए नहीं वो पहले के सारे बच्चे पहले के हैं जी वो पहले के तुमसे पहले के हैं जी मैं से पहले के हैं तो एक बच्चों की माँ के साथ ज़हन कैसे डेवलप हो गया बस पता ही नहीं चला जज्बात में आके कौन से जज्बात थे जरा बताना कवाया प्यार वाले जज्बात थे अच्छा ये शुरू जज्बात कहाँ से हुए थे शुरू तो हमारे 1.5 साल से कैसे हुए थे एक दूसरे से बात करते मैं कौन सी ऐसी बात थी जिससे डेवलप हो गया था मैं कह रहा था तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो तो इसलिए मैंने कह दिया इसने भी कहा तुम मुझे अच्छे लगती हो इसलिए हम फिर बातें करने लगे फिर क्लोज हो गए हम फिर हम चोरी मिले चोरी मिलने के बाद इनके घर में आया था चोरी मिलने हम पकड़े भी गए थे क्योंकि इनका जो आदमी था ना हम वैसे भी बात करते थे ना पहले भी एक दूसरे से तो वो गलत समझता शक करता था वो सही समझता था तुम लोग गलत थे पहले हम गलत नहीं थे बाद में हम गलत हो गए थे वो शक करता था इसको तो जब हम क्लोज हुए पकड़े गए उसके बाद हम भाग गए थे दोनों हमारे घर वालों ने हमें कहाँ गए थे भाग के मैं अपने उस्ताद के घर ले गया था कितना अरसा रहे वहाँ पे 2-3 दिन रहे हमारे घर वालों ने हमें ढूंढ लिया था पकड़ लिया था उन्होंने इसको भेज दिया वापस के घर कह कू के तो वे चली गई थी वो इसके बाद वे इसको ताने देने लग गया था मैंने देने लग गया था तो घर वालों से भी नहीं थे जल्दी मिलने देता तो इसलिए काफी ज्यादा इनका मसला मसाल ज्यादा बढ़ गया था घर में तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने डांट डपट नहीं की कि एक शादीशुदा औरत के साथ क्या कर रहे हो मेरे घर वालों को पता चला था उन्होंने मुझे मारा भी था गालियां भी निकाली तो उन्होंने बोला था इसका घर ना खराब करो अपना भी घर ना खराब करो लड़ाई झगड़े ना करवाओ तो मना हो जो फिर दोनों नहीं मुड़े फिर भी नहीं बाज आए नहीं बाज आए हम दोनों फिर हम दोनों बात करने लग गए थे तो इसके बाद हम प्लान बनाया हमने ये कह रही थी मुझे इसके पास तो मोबाइल फोन नहीं था तुमने कैसे लेके दिया इसको मैंने इसके पास भेजा था फोन भेजा था जी चोरी रखा हुआ था जी चोरी तो बात किस वक्त करते थे बात जब घर में कोई भी नहीं था होता फिर बात करते आखिर वो शादीशुदा थी उसका शौहर था वो तुम्हें ये अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर भी उसके करीब आता होगा आता है पता है तो फिर ये बर्दाश्त कैसे करते थे वो भी मैं बर्दाश्त कर लेता था इसे कहते हैं इश्क अच्छा फिर तो इसके बाद हमने दोनों ने इसने बोला मेरे घर वाला मुझे बहुत तंग करता है मारता भी मैंने भी देता है जब मैं भाग गई तो ये मैंने से मना नहीं आ रहा तो आप ऐसा करो किनल आप आ जाओ ठीक है किसी को साथ ले आओ तो इसको आज रात को मार देंगे वाह इसको आज रात को मार देंगे तो ऐसे कहा जैसे कढ़ाई बना के खानी है मुर्गी की है